दोस्तों आज मैं आ गया हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाला हूँ यहाँ पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। आज हम करेंगे इस तरह से रेड मूली, बैगन, भिंडी, गिलकी, करेला, लौकी और भी ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वह ज़रूर बताइएगा। आज ढेर सारी सब्जी यहाँ से तोड़ने वाले हैं और सारी सब्जियाँ जो हैं मैंने मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन पर ही उगाई हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे कि कैसे आप छत पर ही सब्जियां उगाकर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये ड्रैगन फ्रूट है, बस रेड होने लगा है तो बहुत जल्दी ये भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो आज की हार्वेस्टिंग की हम शुरुआत करेंगे करेले से और करेले तोड़ेंगे, उसके बाद लौकी तोड़ेंगे और फिर दूसरी सब्जियां तोड़ेंगे। तो ये देखिए ये करेले हैं, इनसे हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये है करेला और इसे हम तोड़ते हैं, तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। और यहाँ से कुछ ये करेले हैं, देखिए ये थोड़े छोटे हैं फिर भी हमें इन्हें तोड़ना होगा क्योंकि वरना फिर ये पीले हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और करेले की इस बेल को हमने इस क्रीपर नेट पर फैला रखा है, आप देख रहे हैं जो सामने यहाँ पर देखिए ये पीला हो रहा है। अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो ये इस तरह से येलो होने लगेगा, तो आप इन्हें थोड़ा टाइम पर ही तोड़ लें। ये देखिए इतने करेले तोड़ लिए हैं, वहाँ भी कुछ करेले हैं उन्हें भी तोड़ लेते हैं। एक ये देखिए काफ़ी बड़ा करेला है हमारा और इसे मैं तोड़ लेता हूँ। तो ये करेला तोड़ लिया है और ये जो करेले हैं इनके पौधे लगे हैं इस 24x24 इंच के ग्रो बैग में, ये सामने आप देख रहे हैं। और कुछ छोटे करेले हैं तो इन्हें भी तोड़ लेते हैं इस तरीके से। इस तरह से अगर आपको छोटे करेले खाना पसंद है तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये लगते हैं तो इन्हें ग्रो करना काफ़ी आसान है। और कुछ करेले यहाँ ऊपर लगे हैं तो उन्हें मैं तोड़ लेता हूँ। एक करेला बड़ा वाला भी वहाँ दिखा मुझे, उसे भी मैं तोड़ लेता हूँ। ये देखिए ये तोड़ लिया हमने। ये देखिए छोटे करेले और इन्हें रख देते हैं हमारी बास्केट में। और यहाँ पे ये बड़ा करेला ये देख सकते हैं आप, काफी बड़ा करेला है और इसे भी रख देते हैं इस करेले वाली हमारी बास्केट में। और आप देखिए इतने करेले मुझे मिल गए हैं आज की हार्वेस्टिंग में, तो इन्हें रख देते हैं हमारी दूसरी बास्केट में और फिर तोड़ते हैं दूसरी सब्जियां। तो इतने करेले हमें मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये करेले और घर की छत पर उगाए गए ये करेले हैं। तो चलिए दूसरी सब्जी तोड़ने चलते हैं। तो ये गिलकी है और गिलकी तो आपने काफी बार हम यहाँ पे गिलकियाँ तोड़ चुके हैं, तो दो गिलकी हैं और दो गिलकी वहाँ पर लगी हैं तो उन्हें भी तोड़ लेते हैं। गिलकी मिल गई है हमें जो आप ये सामने देख रहे हैं, इनको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है हमारी गोल लौकी और आज मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। ये तोड़ने के लिए तैयार हो गई है, थोड़ी छोटी है लेकिन आप इतनी हो जाए तो इसे तोड़ लीजिए क्योंकि और जो लौकी हैं वो तैयार हो रही हैं। तो पहली ये हार्वेस्टिंग है मेरी गोल लौकी, तो आज इसे तोड़ लेते हैं यहाँ से। तो इसे आपको इस तरह से कटर की मदद से काट लेना है। ये लंबी वाली लौकी है और इसको जल्दी तोड़ना पड़ा वरना ये ख़राब हो जाएगी, तो इसे भी हमने आज हार्वेस्ट कर लिया है, इसे भी रख देते हैं। एक लौकी ये है हमारी और इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये हमने तोड़ ली, देखिए काफ़ी लंबी है। ये है कद्दू हमारा और इसे आज मैं तोड़ लूंगा, तो इस तरह से आप इसे कट कर दीजिए।
ये देखिए बहुत अच्छा कद्दू मिला, ये पहली हार्वेस्टिंग है इस कद्दू की भी। ये जो है ये लौकी मिली है दो आज हमें हमारे छत पर बने हुए गार्डन से तोड़ने के लिए, तो ये दो लौकी हमने यहाँ पर रख दी हैं। और इसके बाद एक ये गोल लौकी हमें तोड़ने मिली है, और इसके साथ हमने तोड़ा है ये कद्दू, तो इस कद्दू को भी यहाँ रख देते हैं। इतनी जो है सब्जियाँ अभी हमने तोड़ ली हैं, और बाकी और जो सब्जियाँ हैं अब हम आगे तोड़ते हैं। तो इतनी सब्जियाँ आपको कैसी लग रही हैं जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। दोस्तों ये बरबटी है हमारी और पहली हार्वेस्टिंग हो रही है इसकी, बरबटी की। इस तरह से आपको तोड़ लेना है, जो इस तरह से बड़ी बरबटी हो गई है, देखिए काफी लंबी हुई है ये। एक ही लगी हुई है, तो देखिए इतनी बरबटी हमें तोड़ने को मिल गई है। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ, हमारी बरबटी और इसे यहाँ रख देते हैं। तो बरबटी हमने तोड़ ली, इतनी पहली हार्वेस्टिंग में इतनी बरबटी मिली है हमें आज। दोस्तों ये है हमारा स्वीट कॉर्न, और आज मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। तो इसे तोड़ने का तरीका आसान है, आपको इसे इस तरीके से घुमाना है और आप इसे इस तरीके से तोड़ लेंगे तो ये टूट जाएगा, ये देखिए। और इसके मैं आपको निकाल कर भी बताऊंगा पत्ते की, इसके अंदर स्वीट कॉर्न कैसे बना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्वीट कॉर्न है, और यहाँ पर और भी स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं जो हम एक एक करके तोड़ते जाएंगे। अगली इसकी बारी आने वाली है, इसे तोड़ेंगे और फिर और भी जो है कॉर्न हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ये जो स्वीट कॉर्न है इसे रख देते हैं हम हमारी सब्जियों के साथ, ये देखिए। दोस्तों ये है हमारी रेड मूली, और ये देखिए इसे इस तरीके से आप निकालेंगे और बहुत जल्दी हो जाती है ये देखिए। ये देख सकते हैं आप, और ये भी हो गई है निकालने के लिए। और एक ये है इसके पीछे, एक ये है, बस अभी इतने हो गई हैं। तो इनको इस तरह से देखिए, पूरी रेड होती हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये एक ही महीने में जो है तैयार हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए रेड मूली, और इन्हें हम रख देते हैं हमारी इस तरफ की सब्जियों के साथ, ये देखिए यहाँ पर हमने रख दी हैं रेड मूली। और किस किस को इस तरह से रेड मूली खाना पसंद है ज़रूर बताएं। और एक महीने में ही ये तैयार हो जाती हैं, रेड राउंड रेडिस के नाम से इसके बीज मिलेंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये जो आप देख रहे हैं ये अमरूद है हमारा, और बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार है, और इसके साथ ये दूसरा अमरूद लगा है उससे भी हमें तोड़ना पड़ेगा, तो बच गया इसको हमने वैसे अभी छोड़ दिया है। और ये देखिए काफी बड़ा अमरूद है, आप हाँ मेरे हाथ से देख सकते हैं, और काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में।
तो एक अमरूद ये तोड़ लिया हमने और एक अभी ये है तो इसे छोड़ देते हैं। और इस तरह से हमने अमरूद को बांध कर रखा है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं कि ये अमरूद भी हो गया है तोड़ने, तो हम इसे भी तोड़ लेते हैं। और ऊपर देखिए ये जो है तोता इसे खा गया है, इसे भी तोड़ लेते हैं। और ये टूट गया। इसके बाद ये जो है ये अमरूद भी तोता खा गया है और तोड़ने के लिए तैयार है। नीचे वाला अभी नीचे वाले को अभी छोड़ देते हैं। और ये सारे हमने अमरूद बांध रखे हैं ताकि बचे रहें। और ये देख सकते हैं आप, इतने अभी अमरूद मिल गए हैं। और कुछ नींबू आज तोड़ने वाले हैं, तो थोड़े से नींबू देखते हैं हमें नींबू मिलते हैं कि नहीं। एक यहाँ पर है नींबू, ये देखिए ये नींबू है। और अभी तो ये नींबू हरे हैं तो इनको बाद में तोड़ेंगे, तो एक नींबू यहाँ से तोड़ लिया हमने। और नींबू भी तोड़ेंगे अभी, तो इन्हें रख देते हैं पहले हमारी सब्जियों के साथ। ये हमने रख दिए हैं दोस्तों। ये अनार है हमारा और अभी हो गया है तोड़ने के लिए, तो इसे तोड़ना इस तरीके से, और इसे रख देते हैं। और एक ये ऊपर है, ये देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेड है और इसे भी तोड़ लिया है। तो दो अनार आज की हार्वेस्टिंग में मिल गए हैं। और ये करौंदे, तो ये अनार हैं और ये हैं करौंदे। यहाँ पे लगा हुआ है। और ये करौंदे का 2 साल पुराना पेड़ है, पहली बार इसमें हमें ये करौंदे मिले हैं, तो इतने करौंदे हमने तोड़ लिए हैं। ये लगी हुई है हमारी भिंडी, और कल ऑलरेडी इसे हमने तोड़ लिया था। जो भिंडी अभी है इसे और आज तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको भिंडी तोड़नी है, जो बड़ी बड़ी भिंडी है उसे आप तोड़ लीजिए। ये देखिए इतनी भिंडी इधर से तोड़ ली है हमने, और इधर से कुछ भिंडी तोड़ लेते हैं। जो बड़ी बड़ी हैं उन्हें तो तोड़ ही लेते हैं, वरना ये जो है खराब हो जाएंगी। ये देखिए काफी बड़ी भिंडी। अब इस तरफ आ गए हैं, काफी ज्यादा भिंडी जो है तोड़ने मिल रही है हमें, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हर दूसरे दिन हमें इतनी भिंडी मिल रही है। और 2 ग्रो बैग में ये लगी हैं, 24x36x12 फिट बाई 6 फिट बाई
3 फिट बाई 1 फिट के ग्रो बैग में लगी हैं। तो देखिए इतनी सारी भिंडी आज मिल गई हैं तोड़ने को। तो किस किस को इस तरह से भिंडी खाना पसंद है ज़रूर बताएं। और इस भिंडी को रख देते हैं हम हमारी सब्जियों के साथ, और फिर अब तोड़ते हैं धनिया और दूसरी जो सब्जियां हैं। तो कैसी लगी ये भिंडी ज़रूर बताएं। और इसे रखेंगे हम यहाँ पर। ये भिंडी हमने रख दी है और एक ही चेरी टमाटर यहाँ रख दिया है। तो इतनी सब्जियाँ अभी तक हो गई हैं हमारी जो आप साथ। तो ये है हमारी धनिया और इसे हम काटते जा रहे हैं जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है। और इसे मैंने जून में लगाया था, लगभग लेट हो गए 2 महीने में ये तैयार हुई है। इस तरह से आप कट कर लीजिए। रेनी सीजन में तो रीग्रो नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर देखिए इस तरह से रीग्रो हो रही है। यहाँ से पहले हमने काट ली थी, कुछ धनिया ये बची है और इतनी धनिया हमने हार्वेस्ट कर ली है। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये अरबी लगी है और इसके पत्ते आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इतने हमने अरबी के पत्ते हार्वेस्ट कर लिए हैं और इन्हें रख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये स्वीट पोटैटो की बेल है और इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसे इस तरह से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ की एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसे हमें काट लेना होता है। और देखिए इस तरह से काट लेते हैं, फिर इसके पत्ते तोड़ लेंगे और फिर इनकी बनाएंगे बहुत अच्छी साग। ये हमने निकाल ली। दोस्तों आज हमें इतनी सब्जियां मिल गई हैं हमारे छत से तोड़ने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं भिंडी, अनार, अमरूद और करौंदा, साथ में नींबू। इस तरह आप देख रहे हैं तो स्वीट कॉर्न है, बरबटी है, यहाँ पर करेले मिले हुए हैं, यहाँ पर ये गोल मूली, गिलकी, धनिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल लौकी, कद्दू और ये लंबी वाली लौकी, साथ में कुछ ये अरबी के पत्ते और स्वीट पोटैटो के पत्ते हमने हार्वेस्ट किए हैं। तो आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे दूसरे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।